सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जब आप कोई वादा करते हैं तो आशा लगाते हैं, जब उसे पूरा करते हैं तो भरोसा बनाते हैं। अच्छे लोगों में एक खास बात होती है, वो बुरे वक्त में भी अच्छे होते हैं। पंछी कभी अपने बच्चों को भविष्य के लिए घोंसले बनाकर नहीं देते, वे तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। पहली बरसात गिरी और कानों में इतना ही कह गई, गर्मी किसी की भी हमेशा नहीं रहती। आज का पंचांग 28 जून 2024 दिन शुक्रवार, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि शाम 4:27 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व भाद्रपद नामक नक्षत्र सुबह 10:10 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तर भाद्रपद नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:30 से 11:45 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:03 से 12:57 तक रहेगा। आज चंद्रमा मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगे। मेष राशि 28 जून 2024 दिन शुक्रवार, आप आज थोड़ी सी गंभीर मानसिक स्थिति में रहेंगे। आपको आज जीवन के व्यवहारिक मुद्दों पर ध्यान देना होगा, लेकिन आप विश्वास और आशावादिता से भरपूर हैं और गहरे भावनात्मक स्तर पर भी मौके लेने के लिए तैयार हैं। आपका कोई करीबी आपके लक्ष्यों और उद्देश्यों के लिए अपनी चिंता जाहिर करेगा, उन्हें अपनी स्थिति समझाने के लिए समय जरूर निकालें। रोजाना की चिंताओं को छोड़कर आज आपने जो मुकाम हासिल किए हुए हैं उनके लिए आभारी बने। अपनी योजनाओं के अच्छे और बुरे दोनों ही पक्षों के बारे में सोचें, क्योंकि इनके असफल होने की संभावना है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आज के दिन अच्छा है, आप आज चिंतित हो सकते हैं। अपनी प्रेरणा के लिए गंभीरता से सोचना और प्रार्थना करना एक सही विकल्प है। जीवन की अनिश्चितताओं से निकलने के लिए कुछ समय निकालें और अपने दिल की सुनें। आत्मविश्वास के बिना किसी काम में सफल होने की कल्पना करना अपने आप को धोखा देने के समान है। बिना वजह अपनी आलोचना करते रहना आत्मविश्वास को कम कर सकता है। जरूरत से ज्यादा खर्च करने और चलाके भरे आर्थिक योजनाओं से बचें। आपकी जीवन साथी की सेहत चिंता का सबब बन सकती है और उसे चिकित्सकीय देखरेख की जरूरत है। प्रेम के नजरिए से आज के दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा। तरक्की और समृद्धि के लिए नई योजनाएं बनाएं। नाते रिश्तेदार तरक्की और समृद्धि के लिए नई योजनाएं लाएंगे। आप खुद को समय देना जानती हैं और आज तो आपको काफी खाली समय मिलने की संभावना है। खाली समय में आज आप कोई खेल खेल सकते हैं या जिम जा सकते हैं। आज आपका आपस में कुछ ज्यादा विवाद हो सकता है, जिसके दूरगामी परिणाम वैवाहिक जीवन के लिए नकारात्मक हो सकते हैं। आपके सहयोगात्मक व्यवहार से समाज में मान सम्मान रहेगा। छोटियों की गलतियों को माफ करते चलें। वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन पर अमल करें। किसी भी योजना के उचित रूपरेखा बनाएं। सफलता आपको मिलेगी। अपनी दुविधा दूर करने के लिए किसी एक काम का चुनाव करके उस पर ही टिके रहने की कोशिश करें। पैसों से संबंधित उतार चढ़ाव तकलीफ का कारण हो सकता है, लेकिन अपने प्रयत्नों से इसे दूर किया जा सकता है। पैसों से संबंधित कामों को गंभीरता से लेते हुए आगे के निर्णय लेने होंगे, तभी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। काम से संबंधित सकारात्मकता की वजह से बड़ा फायदा हो सकता है। रिलेशनशिप से संबंधित नाराजगी दूर होगी, नकारात्मक नजरिया बनने लगेगा। सेहत से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने का रास्ता मिलेगा, इस कारण सेहत से संबंधित चिंता भी दूर हो सकती है। सुबह के समय नियमों का उल्लंघन बिल्कुल ना करें, अन्यथा मुसीबत में फंस सकते हैं। वाहनों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करें। जमीन से लाभ होगा, निर्माण पर व्यय होगा, व्यापार की यात्रा का योग है। दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा, प्रेम प्रस्ताव की प्राप्ति होगी, दोपहर में आय बढ़ेगी, सहयोग मिलेगा, शाम को राहत भी मिलेगी। सावधानियां, घर की व्यवस्था को उचित बनाए रखने के लिए आप कठोर फैसले लेते हैं, जिसकी वजह से घर में तनावपूर्ण माहौल बन सकता है। विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई से हटकर मौज मस्ती में रहेगा। बात करते हैं लव लाइफ की। आप अपने प्यार को ढूंढने के लिए काफी दूर आ गए हैं, लेकिन अब तक तलाश पूरी नहीं हुई है।
लेकिन आपके खास दोस्तों में से ही कोई ऐसा है जो आपको प्यार करता है, लेकिन उसने आपको अभी तक इस बारे में बताया नहीं है। हो सकता है उन्हें आपसे इनकार का डर हो, या वे चाहते हो कि पहले आप प्रपोज करें। उनके साथ कुछ समय आप जरूर बिताएं और आपको उनके दिल तक पहुंचने का रास्ता मालूम हो जाएगा। आप अपने प्रेम भरे जीवन से खुश हैं, किंतु इसे और भी स्पाइसी बनाना चाहते हैं। इसके लिए कुछ नया ट्राई करें, अपने लुक को बदलें या अपने साथी के लिए उसका पसंदीदा डिश बनाएं। कई बार एक फूल वो काम कर जाता है जो महंगे उपहार भी नहीं कर पाते। आज आप महसूस कर सकते हैं कि आपके साथ कुछ भी सही नहीं हो रहा, लेकिन निराश ना हो, आपका अच्छा समय शुरू हो गया है। आने वाले समय में आपको अपनी मेहनत का फल प्राप्त होगा। अपने साथी से सब कुछ शेयर करें, साथ ही अपने साथी को यह बताना ना भूले कि आप उससे कितना प्यार करते हैं। बात करते हैं करियर की। दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने और अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इस समय आप किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। आपकी यही लगन सफलता व तरक्की का मूल मंत्र है। अपने मिजाज को नम्र रखें और अहंकार से बचें, क्योंकि अहंकार धन और सम्मान दोनों को नष्ट कर देता है। आज आप कुछ चिंतित महसूस कर सकती हैं। यह समय दिखावे का नहीं बल्कि कुछ कर दिखाने का है। बेहतर संभावनाओं के लिए आज आप प्रार्थना पूजा या अन्य आध्यात्मिक कार्यों का सहारा ले सकते हैं। कुछ समय निकाले, अपने दिल की सुने और इसके बाद कोई निर्णय लें। अच्छी सोच बढ़िया है, किंतु अच्छे काम करना बेहतरीन है। आज के दिन आपको एक अप्रत्याशित रूप से उपहार आपके दिल के निकट के व्यक्ति से मिल सकता है। आज के दिन आपके लिए काफी उत्तम रहेगा। आपके सहकर्मी और आपसे उच्च पद पर तैनात सहकर्मी आपसे खुश रहेंगे तथा आपसे पूरा सहयोग एवं सहायता मांगेंगे या करेंगे, जिसकी वजह से आप अपना काम समय पर पूरा कर पाएंगे तथा संध्याकालीन बेला में आप किसी समारोह का भी आयोजन कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में अंदरूनी व्यवस्था संबंधित बदलाव करने की सोच रहे हैं तो आने वाले दिनों में अच्छे साबित होंगे। पार्टनरशिप संबंधित मामलों में तालमेल बैठाने में दिक्कतें रहेगी। ऑफिस का माहौल तनाव मुक्त रहेगा। समय पर कार्य होने से मन में प्रसन्नता रहेगी। अपनों से सुख प्राप्त होगा। ऐसे लोगों से मुलाकात होगी जो भाग्योदय में सहायक होंगे। कारोबार में श्रेष्ठता रहेगी। नए व्यापार की शुरुआत होगी। वैवाहिक सुख की प्राप्ति होगी। प्रेमी साथी से उपहार मिलेगा। परिवार का साथ बना रहेगा। किसी की सहायता करनी पड़ सकती है। अनिद्रा की समस्या भी रहेगी। बात करते हैं सेहत की। आप चीजों को धीरज और तसल्ली से पूरा करते हैं, लेकिन आप खुद में ऊर्जा का अचानक प्रवाह, इससे आसपास सभी को अचरज ही होगा। आपकी त्वचा की भी यही प्रवृत्ति है। एक समय तो यह शीशे की तरह साफ होती है और दूसरी ही तरफ कील मुहासों से भी भर जाती है। हर रोज सुबह खूब सारा पानी पिए। आज का उपाय, आज आप माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। बहुत शुभ रहेगा आज। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।